फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एकदम सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले माउथ मेल्टिंग कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए कोई प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है, साथ ही एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिससे इस कढ़ी का जो स्वाद है कई गुना बढ़ जाता है, जिसे मैंने कान्हा जी की छठी पर बनाया था। आप कभी भी बना सकते हैं। देखिए पकौड़े कितने सॉफ्ट बने हैं, अंदर से बहुत ही बढ़िया जाली आई है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ छाया, स्वागत है आपका हमारे माँ बेटी किचन पर। तो सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला बनाएंगे जिसके लिए मैंने हरी धनिए के डंठल ले लिए हैं। कभी भी आपको नहीं फेंकना है 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 हरी मिर्ची, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। साइड पर रख दिया मैंने, मैं एक मिक्सी का छोटा वाला जार ले लिया। आप चाहे तो जो अदरक कूटने वाला होता है ना वो भी ले सकते हैं। इस पर हरी मिर्ची, अदरक और साथ ही हरी धनिए के डंठल डाल दिए हैं। टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए 2 चम्मच मैंने सूखा वाला धनिया लिया है। आप चाहे इस पर 1 चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं और इससे भी टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए इसको हमें क्रश कर लेना है। पेस्ट हमें इसका बिल्कुल भी नहीं बनाना है। 3 से 4 बार हम इसको पुश करेंगे तो ये आराम से क्रश हो जाएगा। तो देखिए इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। चलिए मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि देखिए मसाला कितने अच्छे से क्रश हो गया है और इसमें सारे दाने साबित दिख रहे हैं और क्रश हो चुके हैं। पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बना है, साइड पर रख दिया। इधर मैंने 250 ग्राम के करीब दही ले लिया है। आप चाहे छाछ का यूज कर सकते हैं, दही हमारी थोड़ी खट्टी होगी तो अच्छा रहेगा। साथ ही हमने ले लिया है 1 से 1.5 कटोरी के करीब बेसन। एक मैं मिक्सी का जार लेती हूँ, इससे जो काम है हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। आप चाहे अलग से कर सकते हैं। अब हम इस दही को मिक्सी के जार पर डाल देते हैं। तो दही को मैंने डाल दिया। यदि आप अलग से करना चाहें तो आप इस स्टेज पर बेसन मत डालिएगा, लेकिन मैं सारा काम एक साथ करने वाली हूँ तो मैंने 7 से 8 चम्मच के करीब बेसन डाल लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी में कढ़ी बना रही हूँ। इसी के साथ मैं इस पर डालूंगी हींग 1/4 चम्मच के करीब। इस स्टेज पर डालने से अच्छे से हींग मिल जाती है और नमक इस स्टेज पर डालने से हमारी कढ़ी फटती नहीं है। पानी डाल देंगे हम 2 कटोरी के करीब। ऊपर तक मत भरिएगा वरना मिक्सी से बाहर आ जाता है। जार को हम बंद कर देते हैं और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेते हैं। हमारा घंटों का काम मिनटों में मिक्सी से हो जाता है। देखिए सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरीके का हो गया है। सारी चीजें अच्छे से कंबाइंड हो गई हैं, अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, जिसमें हमें काफी समय लगता है वो हमारा 2 मिनट में काम होकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसको अभी हम साइड पर छोड़ देते हैं। गैस पर हम एक थोड़ा हैवी सी कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई पर यदि आप कढ़ी बनाते हैं ना तो उसका डायमीटर चौड़ा होता है, इससे कढ़ी हमारी जल्दी पक जाती है। इस पर हमने सरसों के ऑयल का यूज किया है 1 से 2 छोटा चम्मच के करीब। ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं और देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लिया है। अब हम इस पर डालेंगे 1/2 चम्मच के करीब जीरा। 1/2 चम्मच हम इस पर सरसों को भी ऐड कर देते हैं। इसी के साथ हम लेंगे 1/4 चम्मच के करीब हींग। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे इस पर मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं, करी पत्ता 7 से 8, और इसको हम अच्छे से तड़का लेते हैं। बनाया हुआ मसाला 2 से 3 चम्मच डाल देंगे और हम थोड़ा सा बचा लेंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं बढ़िया से, जब तक ये अच्छे से भुन नहीं जाता। सूखे मसाले पर जाएगा 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, साथ ही साथ 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, और इसे हम एकदम स्लो फ्लेम पर बढ़िया से भून लेते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप गैस को ऑन करना चाहते हैं या तो आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, बिल्कुल स्लो कर लीजिए, और हमें छान कर डालना है। वैसे तो हमने मिक्सी पर किया था, कोई मोटा पार्ट नहीं रह जाता है, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा बचा है जो कि बाद में ये दिक्कत करता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं और अब इस पर पानी ऐड करेंगे 1 से 2 लीटर के करीब, और थोड़ा सा जार को मैंने धुल के भी डाल दिया है। अब हम इसको कंटिन्यू चलाते हैं और इसको जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक चलाते रहेंगे। जैसे जैसे पकता है वैसे वैसे कलर निखरता है। देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। हमें इसको चलाते रहना है वरना कढ़ी हमारी फट जाती है। और देखिए कढ़ी पर उबाल आ गया है, लेकिन जब ऊपर आती है तब हमें गैस का फ्लेम स्लो कर देना है। अब आप इसे छोड़ सकते हैं, अब कढ़ी फटने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। कढ़ी को करने में समय लगता है, ऐसा मान के चलिए 45 मिनट से लेके आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा, लेकिन आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए। गैस का फ्लेम है ना जो मीडियम टू हाई कर दीजिए। तो चलिए इस तरीके से आप कढ़ी को फेंट भी सकते हैं, जिसको साइड पर हम छोड़ देते हैं तक हम पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। एक हमने बड़ा सा बाउल ले लिया है। 1 कटोरी हम इस पर बेसन को ऐड कर लेंगे। वजन से मान के चलिए तो 150 ग्राम के करीब है। जो हमने मसाला बनाया था ना वो बचा लिया था, तो वो हम इस पर ऐड कर देते हैं। ये 2 चम्मच के करीब बचा है। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच नमक,
आधा चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच हींग, और इसी के साथ हम पानी डालेंगे। पानी एक साथ नहीं डालेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका हमें एक मिक्सर बनाना है। तो मिक्सर जो है हमारा ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, पानी हमें कभी भी एक साथ नहीं डालना है। और चलिए मैं आपको बताती हूँ किस कंसिस्टेंसी का ये मिक्सर हमारा होना चाहिए। इससे ज्यादा हमें पतला बिल्कुल भी नहीं करना है, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से हमें फेंट लेना है जब तक ये लाइट नहीं हो जाता। देखिए जो मिक्सर है हमारा काफी लाइट और फ्लफी हो गया है। इस स्टेज पर आने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, कोई सोडा कोई इनो नहीं डालना है। इसी से हमारे पकौड़े काफी बढ़िया फूले फूले बनकर तैयार होते हैं। उधर मैंने दूसरे साइड ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था। ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, डालते समय हमारा जो गैस का फ्लेम है ना मीडियम कर लेना है। और हम पकौड़े तोड़ देते हैं, एक बार बहुत सारे नहीं डालना है। अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं, ज्यादा गोल्डन कढ़ी के लिए हम फ्राई नहीं करते हैं। उधर मैं साइड पर कढ़ी को भी चलाते जा रही हूँ। भाई लेडीज तो मल्टीपर्पज होती है। देखिए जब हमारा ये कलर आ जाए तो पकौड़े को हम निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं कितना बढ़िया फूला फूला हमारा ये पकौड़ा बना है, काफी सॉफ्ट है, बहुत अच्छी जाली आई। सेकंड बैच के लिए भी हमारा गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। सारे पकौड़े हमें इस पर डाल देना है और बढ़िया से लाइट होने तक इसको फ्राई कर लेना है। इसे भी हमने वापस से उसी प्लेट पर निकाल लिए हैं। देखिए सारे पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन इतने सारे पकौड़े मेरे कढ़ी पर नहीं जाएंगे। इधर कढ़ी को मैंने एक बार और चला दिया है। देखिए कढ़ी की कंसिस्टेंसी अभी इतनी है, अभी थोड़ी देर और पकेगी। इधर जो पकौड़े हैं चलिए मैं आपको चेक कराती हूँ कि देखिए कितने सॉफ्ट जालीदार ये पकौड़े बने हैं। अंदर से आप देख पा रहे हैं, देखिए पूरी एकदम पोला पकौड़ा बना है, कोई इनो कोई सोडा का यूज नहीं किया है। इनको अभी हम साइड पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। और कढ़ी को पकते पकते को 1 से 1.25 घंटा हो गया। देखिए साइड पर मलाई आ जाती है, सारा टेक्सचर चेंज हो जाता है, तभी अच्छे से कढ़ी पकी मानी जाती है। इतने में समय आपका कुछ भी लग सकता है। तो कढ़ी की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखना है, अभी आपको थिक नहीं करना है। यदि आप और पतली चाहते हो तो आप और पतली रख सकते हैं, लेकिन मेरे को ज्यादा पतली कढ़ी पसंद नहीं है। पकौड़े हम इस पर डाल देते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से पकौड़े ऐसे ही बचा लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं कितने सॉफ्ट पकौड़े हमारे बने हैं। पकौड़े डालने के बाद सिर्फ कढ़ी को आपको बिल्कुल भी नहीं पकाना है, गैस को फटाफट से बंद कर देना है। 1 से 2 बार आप मिक्स करेंगे। वैसे तो आपकी कढ़ी ऐसे ही बनकर तैयार हो गई है, लेकिन एकदम मजेदार एकदम स्पाइसी कान्हा जी को भी मजा आ जाए। तो जिसके लिए हम एक स्पेशल तड़का बनाएंगे। तड़का पैन को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। 1 से 2 छोटा चम्मच के करीब हम इस पर सरसों के तेल को डालते हैं और अच्छे से गरम कर लेते हैं धुआंदार। इसके बाद तेल को हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 7 से 8 करी पत्ता, और इसको हम थोड़ा सा तड़का लेते हैं। सूखी लाल मिर्च तोड़ के डाला है, 3 से 4 गैस बंद करने के बाद डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और गैस पूरी बंद है। इसको लेते हैं, अब इस पर 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर बाद में ही डालना है वरना जल जाती है। तड़के को हम कढ़ी पर डाल देते हैं। वैसे तो ये तड़का ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। देखिए बहुत ही ट्रेंडिंग एकदम मजेदार स्पाइसी सी ये कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। आप चाहे तो पूरे में ऐसे ही मिला सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको डेकोरेट करेंगे हरे धनिए के साथ। हो भाई अच्छे अच्छे के मुंह में पानी आ जाए, एकदम सॉफ्ट बिना प्याज लहसुन मुंह में जाते ही घुल जाए। जबरदस्त ये हमारा कढ़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो गया है। मेरे यहाँ छठी के दिन कान्हा जी को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। आपके यहाँ किस चीज का भोग लगाया जाता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। मैंने चावल के साथ कान्हा जी को भोग लगाया था, फिर बाद में भाई ऐसे ही गर्मा गर्म एंजॉय किया था। चलिए मैं आपको पकौड़े कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट हैं। एकदम बहुत ही अच्छी अंदर जाली आई, देखिए कितना पोला है, एकदम रस अच्छे से एब्जॉर्ब किया। आई होप फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।